बिहार के गया में बिहार प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारिणी सदस्य राजीव वर्णवाल एवं गया के सांसद विजय कुमार मांझी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर अंबेडकर पार्क के प्रांगण में जेडीयू की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सपूतों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। उसके बाद कैंडल जलाकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राजीव वर्णवाल ने कहा कि चीन के सैनिक के द्वारा लगभग 45 साल बाद इस तरह की कायराना हरकत देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था भारतीय बाजारों पर टिकी है। यदि हम चीन उत्पादित सामान का बहिष्कार करेंगे तो गलवान घाटी में संघर्ष में शहीद हुए भारतीय जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश के स्वाभिमान में चार चांद लगाने वाले लोग खुले आसमान के नीचे स्वच्छ विचरण करने वाले अपने आप को जगाकर हम लोग बेफिक्र सुलाने वाले लोगों को जिसने भी मारने का काम किया है उससे देश का बना हुआ सामान को हम लोग बहिष्कार करेंगे। राजीव वर्णवाल ने कहा कि आज भारत विश्व में चमकता हुआ सितारा है। आज भारत आज आंख में आंख डालकर किसी भी देश से बात करने का मादा रखता है। उन्होंने कहा कि हम लोग सभी भारत की जनता एकजुट होकर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए चाइना निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। इस मौके पर लालजी बाबू, अब्दुल कादिर, नीरज वर्मा, अर्जुन राम, प्रभात रावत, मोहम्मद नसीम, पुष्पा देवी, ओम प्रकाश, गोपाल प्रसाद, अमर चंद्रवंशी, अरुण कुमार, गौतम कुमार, देवेंद्र कुमार, विवेक बाबा सहित कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। मैसेज ये देना चाहते हैं हम लोग कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आज जो कहते हैं जो विगत दिनों में जो घटना हुई है हिंदुस्तान के सैनिक के साथ जो सदाहत हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम एकत्रित हुए हैं सभी साथी। और यहाँ पर यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री का भी सुझाव है कि चाइना का एक एक सामान का बहिष्कार करें और उनका आर्थिक कमर टूटेगा। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। हमारा सैनिक का जो मनोबल है हाई है और हाई रहेगा। हमारा जीत होगा। इंडिया जो आज है वो पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है करते रहेगा। इसलिए चाइना जो आंख दिखा रहा है दिखाना बंद करे। मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा देश का सैनिक एकजुट है और हम समझते हैं कि निश्चित पूरे देश की जनता जो इनके परिवार जो सैनिक सदाहत हुए उनके परिवार के साथ हैं और उनके आत्मा को शांति की जो शहीद हुए उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राजीव वर्णवाल जी बहुत मेहनत किए सभी साथी यहाँ पर जाती हुए सभी समाज के लोग हैं प्रतिष्ठित लोग हैं यहाँ एकत्रित हुए। कादिर भाई हैं सब लोग का यही है कि चाइना का सामान बहिष्कार हो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और हमारा मेक इन इंडिया का काम करना है और इंडिया का सामान खरीदना है तभी सच्ची श्रद्धांजलि है। वीर शहीद जनता दल यू परिवार के लोग, माननीय सांसद महोदय श्री विजय कुमार मांझी जी, सभी लोगों के नेतृत्व में आज कैंडल जलाकर जो वीर जवान हैं हमारे इस देश के सपूत हैं जिन्होंने अपनी खून की कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपनी खून की आहूति दी है और खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करने का मौका अपने आप को जगाकर हमारे परिवार के लोगों को इस देश में सभी जाति और धर्म के लोगों को सुलाने के लिए और स्वच्छंद विचरण करने का मौका जिन्होंने दिया और अपनी खून की आहूति दे दी बल्कि भागा नहीं भगाकर अपनी जान की कुर्बानी दी है, वैसे लोगों के प्रति आज हम सभी लोग कैंडल जला कर करके सच्ची श्रद्धांजलि देने यहाँ पे भीमराव अंबेडकर साहब का मूर्ति है उनके सामने हम लोग सभी लोग शपथ लेते हैं और शपथ इस बात की कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब चाइना से आयात किया हुआ सामान सभी घरों में हम आयात कर करके सामान लेते हैं उस सामान को आज से बहिष्कार करेंगे। जनता दल यू परिवार के लोग सभी लोग बहिष्कार करेंगे बल्कि इस गया के स्वाभिमान भरे धरती पे
सभी लोग रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सभी लोगों से हम हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब चाइना निर्मित सामान हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम इसलिए यहाँ पे सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके तमाम चाहने वाले इष्ट मित्र और परिवार के लोगों को भगवान शक्ति प्रदान करे। और हम तमाम जनता दलियों परिवार के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं और आग्रह करते हैं सभी तमाम लोगों से कि चाइना निर्मित सामान सभी लोग हम लोग बहिष्कार करेंगे।